Shreya, many, many congratulations. You do know you are the headline across. Thank you, ma'am. वैसे कैसा लग रहा है, you know, because every news channel has your interview, every newspaper has your headline. It's a very proud moment for all of us here in India. I want to ask, what is Shreya Lenka actually feeling? I feel really honored and I feel really proud that कि मुझे इतना बड़ा मौका मिल रहा है और इंटरव्यू करने के लिए. मुझे इतने सारे इंटरव्यूअर्स कवर कर रहे हैं, इतने बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं. मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है और मुझे बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ करके. लाइक आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. यू डू रियलाइज ना, यू आर लिविंग द ड्रीम ऑफ मेनी एस्पिरेंट्स इन इंडिया. एग्जैक्टली. लाइक आई एम ऑल्सो लाइक इमेजिन, लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी ऑल्सो. No, but more power to you, Shreya, because you know I was going through your videos, aapke audition, aapka wo jo video hai. There's so much support coming from for you from people. It's very overwhelming and very nice. आपने पढ़े comments वैसे? जी जी. आपने कुछ comments पढ़े अपने लिए? हाँ, मैंने मेरे हम लोग के जैसे वीडियोस अपलोड हुए, हम लोग खाली कमेंट्स का वेट कर रहे थे. लोग कैसे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करें, हम लोग बहुत एक्साइटमेंट थे. तो हम लोग जिस रात को वहाँ पे 12 या 1 बज रहे थे जैसे अपलोड हुआ, और हम लोग ना ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते गए कैसे कैसे, और इतने सारे खाली इंडिया से ही नहीं बल्कि इतने सारे मतलब वर्ल्ड से मुझे इतने सारे मैसेज आते, मतलब नॉट ओनली इंडियन फैंस बट द ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस वेर like so much good and they were sending me messages and they were so sweet. like hum log unko dekh ke chalo aur mehnat karni hai hum log ko because they are looking forward to us and we have to make good music for them, we have to prepare well for them, we have to prepare good stage presence for them. so humne bola ki nahi ab to mehnat karni hai unke liye. ye process hua kaise? I know they had a competition, they had an audition that you and Gabby both participated after one of the members left. How did you get interested in K-pop? Because aap dancer bhi hain, Odissi kar chuki hain. Ji ji. Video mein dekha, you are fabulous with this choreography too. Thank you. But how did you get interested? And ye process kaise hua? Did you even anticipate you will be chosen? At first, मैं जब ओडिसी डांस करती थी उसके बाद फिर मैंने मॉडर्न फॉर्म स्टार्ट किया. ओडिसी 1.5 ईयर्स करने के बाद मैंने मॉडर्न फॉर्म स्टार्ट किया. मॉडर्न फॉर्म्स के लिए मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती थी जस्ट टू लर्न डांस बिकॉज आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन डांस दैट आई वॉन्टेड टू बी एन गुड आर्टिस्ट इन डांस. सो मैं बस वही चीज़ ख्याल रखती थी. बट मैं के ड्रामाज बहुत देखती थी पहले, तो आई डिडंट नो अबाउट K-pop. But one of my friend introduced me about K-pop. She showed me one of video of EXO, Growl, and it actually like I was really shocked after watching that. It was so unique, and I really wanted to try that forms and the styles and the stages. Like I cannot even imagine standing over there like in front of huge audience and what kind of feeling they were having. Like I really wanted to feel that. So I just like in 2016-17 when I used to watch that. So मैं जब घर गई तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ सर्च किया K-pop के बारे में. जितने जितने सर्च करते गए उतने उतना इंटरेस्ट बढ़ते गया मेरा, और मुझे भी ट्राई करने का मन किया. बट मुझे पहले लगा कि अरे कैसे दे सकते हैं ऑडिशन. तो जब मैंने ऑडिशन के लिए सर्च किया तब उस टाइम ऑफलाइन ऑडिशन था, तो मैं बोली ऑफलाइन ऑडिशन के लिए तो हम लोग जा नहीं सकते. भगवान को बस प्रे कर रही थी काश मैं ऑडिशन दे सकती. उसके बाद फिर फाइनली इन 2020 ऑनलाइन ऑडिशंस ओपन्ड. तो मैं 2020 से ऑडिशन देना स्टार्ट किया मैंने, और देते देते मुझे फिर पता चला कि मेरे जो वोकल्स है वो बहुत वीक है, तो मुझे ऊपर भी बहुत वर्क करना है. तो मेरी दादी ने मुझे एक हिंदुस्तानी टीचर के पास लेके गए, हिंदुस्तानी क्लासिकल टीचर के पास लेके गए. तो मैं उनके पास मैंने वहां पे सीखा हिंदुस्तानी क्लासिकल. तो मैंने हमेशा ये सोचा कि अब मेरे को खाली इम्प्रूवमेंट देना है, जो आगे का जो होगा वो देखा जाएगा. सो आई केप डूइंग लाइक मैंने एक साल तक ऑडिशन देते गए, और मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, और एंड फाइनली इन 2021 आई गॉट सिलेक्टेड इन डीआर म्यूजिक. एक चीज बहुत अच्छी लगी है, दैट इज आल्सो वेरी डाइवर्स, इट्स आल्सो इंक्लूसिव. वाज दैट आल्सो समथिंग जो आपको लगा कि इससे आगे भी फिर ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा? यस यस. And I wanted to be an inspiration. I wanted to be a motivator. Like I wanted to motivate people. I wanted to give hope so that they can also like don't give up on their dreams. They can also work hard. They can also believe in themselves.
बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट है जो बिकॉज ये सब चलते हुए उन लोग भी बहुत डाउन हो जाते हैं करते करते, तो मैं उनके लिए भी एक मोटिवेशनल बनना चाहती थी. और मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सच में सिलेक्ट होंगी, बट ऐसा अचानक से आया, अचानक से सिलेक्ट हो गई और अचानक से ट्रेनी भी बन गई. तो ऐसा लाइक ऐसे से होते 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 गया, तो मैं भी बहुत शॉक थी कि हाँ ये सच में हो रहा है. बट ट्रेनी लाइफ भी बहुत हार्ड था, उसके लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, बट वर्थ अचीविंग. जैसे मैंने बहुत रुकी बैंक से बात की है, वो कह रहे हैं आजकल दुनिया में सब के पॉप सुन रहे हैं, आजकल लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप इंडिया में भी बहुत, जैसे मैं कोरियन जी सीख, मेरी क्लास में बहुत जी बच्चे जी जो लैंग्वेज के पॉप के लिरिक्स समझने के लिए सीख रहे हैं, जी जी और जी उनको जी जी समझ नहीं है, हम वर्ड्स बोल देते हैं। दे से ना समवन समवेयर इज लिसनिंग टू के पॉप, इससे आपको लगता है एग्जैक्ट. बहुत लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। यस, डेफिनेटली. बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर्म हो, और हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड अभी टू लाइक द वर्ल्ड कैन बी टुगेदर, नॉट एज सेपरेट. वर्ल्ड कैन बी सीन टुगेदर. एंड हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का यहाँ पे एक है वासुदेव कुटुंबकम, विच इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वी वॉन्ट टू सी देम लाइक दैट. सो आई जस्ट होप दैट कम्स ट्रू. एंड वी वेर ऑल्सो वर्किंग, जैसे कि हम लोग का एक ब्लैक स्वान का भी है, लोग हम लोग जो बोलते हैं कि वी आर ब्लैक स्वान, नॉट नॉट बाय स्किन कलर, वी आर अ ग्रुप नॉट बाय स्किन कलर, एज, नेशनैलिटी, बट बाय टैलेंट एंड यूनिकनेस दैट यूनाइट्स पीपल. सो हम लोग भी वही चाहते हैं कि अभी लोग वैसे ही एक्सपेक्ट लाइक एक्सेप्ट करें, और वो भी वैसे ही एक्सेप्टेड हो, और उनको जो करना है वो खुल के कर सके. I just hope so, because it's good you've set an example, and it's great that Black Swan is so inclusive and diverse कि और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। पर आप जानते हैं ना, यहाँ पर इतना इंटरेस्ट है के पॉप में, आपको देख के बहुत लोग ये सपने देखेंगे। बट आप एक मिथ क्या ब्रेक करना चाहती हो, बिकॉज आसान नहीं है, ट्रेनिंग इज वेरी टफ। यू नीड टू बी वेरी गुड एट डांसिंग एंड सिंगिंग, और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए. एंड आप जो भी करें उसको मन लगा के कीजिए, आप डेफिनेटली वहां जाके इम्प्रूव करोगे. बट बिफोर देन वो आप लोग का इम्प्रूवमेंट नहीं, बट आपका जो होता है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल देखना चाहते हैं वो, आपका पोटेंशियल देखना चाहते हैं वो, आपका जो सपना होता है वो, आप उसके प्रति कितना मेहनत कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं. बिकॉज दे ओनली लुक फॉर लाइक 5 to 10 seconds, बिकॉज इन दैट दैट टाइम यू नीड टू कैच द अटेंशन. सो वो चीज बहुत मायने रखता है, और उन लोग वही चीज देखते हैं. बिकॉज फुल वीडियो नो बडी विल वॉच, दे विल ओनली वॉच वॉच फॉर लाइक 10 to 20 seconds, एंड उसमें ही उनको अगर अच्छा लगा तो वो थोड़ी देर और देखेंगे. तो वो एक टाइम होता है जिसमें हम लोग को कैच करना रहता है अटेंशन, और उसके लिए हम लोग अभी जब ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए हम लोग को बॉडी फिटनेस, वेट, उसके बाद हमका डांसिंग, सिंगिंग, स्टेबिलिटी, स्टेज प्रेजेंस, पूरे एक आइडल का पैकेज होना चाहिए. मतलब आइडल हो तो मतलब हर फील्ड में अच्छा होना चाहिए. वाह, मुझे जी बताओ, आप डांसर भी हैं, गाती भी जी हैं, और दिस इज एक्सट्रीमली वेरी डिफरेंट। जैसे आपने कहा ना हिंदुस्तानी सीखा, जी जॉनर्स डिफरेंट है, वोकल पिच कैसे लेके जा रहे हो डिफरेंट है, जी जी क्या मुश्किल सबसे लगा वैसे? मुझे सबसे डिफिकल्ट सिंगिंग में लगा, बिकॉज मैंने सिंगिंग इतना लिया नहीं है, और अभी से बोल सकती हूँ 9 to 10 months ही हुआ मैंने सीखा है सिंगिंग. मैं जब भी इंग्लिश सॉन्ग्स गा रही थी तो उसमें हिंदी पॉम आ जाते थे तो वो भी हिंदी सुनने लग जाते थे, तो उन लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं है. तो उसको चेंज करने में तो हमें को टाइम लगा, उसको समझने में मेरे को टाइम लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे सारे काम आप बोलते हैं तो वहाँ पे डोरे मीफा होता है, तो ये सब भी बहुत डिफरेंस है, थोड़े कीज भी डिफरेंस थे, तो उसको तो सीखने सीखने में मेरे को डिफिकल्टीज लगे. इतनी सारी लड़कियां एक साथ जब प्रैक्टिस नहीं करते कैसे चिल करते हैं? बिकॉज हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, जैसे ड्रीम हाई में हमने देखा सेशंस हो रहे हैं, फिर ये मूवीज भी आती हैं, वैसा नहीं होता है असल जिंदगी में, ड्रामा में दिखाते हैं। ऐसा कोई मिसकंसेप्शन आप ब्रेक करना चाहती हो लोगों के लिए कि जो पिक्चरों में देखते हैं वो नहीं है, बहुत मेहनत है? फॉर श्योर. बिकॉज हाँ, हम लोग को रेस्ट नहीं मिलता, आपको जितना रेस्ट दिखता है वो तो रेस्ट मिलता नहीं है. हम लोग जो संडे ही मिलता है फ्री टाइम, और हम लोग संडे में ही उन लोग हम लोग को लेके जाते हैं और हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत है, बट उन लोग हम लोग को फ्री टाइम थोड़ा देते हैं. और सबसे पहले वेट चेक, आपको वेट मेंटेन करना है और आपको बॉडी भी बहुत मेंटेन करना है,
आपको डांस सॉन्ग पूरा अच्छे से करना है, बिकॉज अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे तो आप जरूर गाली खाओगे, आपको डांट जरूर पड़ने वाली है, तो हाँ आपको वो चीज बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि आपको हर डे इम्प्रूव करना रहता है, प्रैक्टिस तो आपको बहुत करना है, आप बैठना नहीं, आपको बैठना नहीं है, सिर्फ खाने खाने टाइम उतना बस, उसके बाद आपको फिर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देखना चाहिए, बहुत घर पे कॉम्पिटिटिव ज्यादा टाइम ना, नहीं है, बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव। बहुत 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 कॉम्पिटिटिव है, और क्योंकि वहां के सारे लोग ना वैसे ही हार्ड वर्किंग है, सारे लोग वैसे हार्ड वर्किंग है, सो लाइक वहां पे एक वाइब आ जाता है कि नहीं हम लोग को भी मेहनत करा, तो वो जोश आ जाता है अंदर में। What was your first meeting like with the rest of your team members? Because Black Swan was had another name पहले, it's been there for a year, उसका अपना भी transformation हुआ है बहुत। तो जब आप पहले मिले अपने team members से कैसा था? पहले जब मैं मिली थी, हम लोग को तो उतना टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्केड्यूल्स एंड वी हैव आवर प्रैक्टिस स्केड्यूल्स, एज दे आर आवर सीनियर्स, दे टॉट अस अ लॉट एंड दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम अस टू, दे वाह एक्सपेक्ट अस टू लर्न फ्रॉम देम एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट अस टू टीच देम टू, सो तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नहीं उन लोग भी हम लोग का चीज जानना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कल्चर्स इन आर ग्रुप, लाइक वी हैव फुल ऑफ कल्चर, सो मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, तो उनको लर्न करना भी तो डिफिकल्ट होगा, उनका भी कुछ अलग है, हम लोग का भी कुछ अलग है, तो इसको बॉन्डिंग रखने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती थी, बट उन्होंने उसको मतलब वो डिफिकल्टी को शो नहीं करने दिया, लाइक वी वेर रियली क्लोज। कॉन्सर्ट शुरू होने वाले हैं, कैन बी जी अगर आपने ब्लैक सॉन्ग को बोलोगे इंडिया आएंगे परफॉर्म करने के लिए, कुछ बात होगी? जी जरूर जरूर, उन लोग बहुत दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया, कमिंग टू इंडिया, बिकॉज दे आर रियली इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर, एंड मैंने जब उनको इंडियन कल्चर के बारे में बताया, वो बहुत इंटरेस्टेड थे, और उन लोग बता अरे ऐसा होता है, ओ ऐसा होता है, मेरे को और बताओ, ऐसे ऐसा उनका रिएक्शन था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड दे एक्चुअली वॉन्ट टू ईट इंडियन फूड एंड एक्चुअली दे वॉन्ट टू विजिट इंडिया। वैसे सिमिलैरिटी भी बहुत है कोरियन एंड इंडियन हाँ कल्चर में, थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत ही काफी है काफी वैसे। एंड है, काफी है। श्रेया, आई मीन ऑनेस्टली, यू आर 18 इयर्स ओल्ड, सो मच हैज हैपेंड, व्हाट इज द वन थिंग आपने सीखा है? बिकॉज लाइफ इज नाउ गोइंग टू बी लाइक दिस। मैंने हमेशा यही सीखा है कि आप जितने भी बड़े इंसान बन जाओ, आपको जितने भी बड़े प्लेस मिल जाए, स्टे हम्बल एंड बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड आर्टिस्ट जो सबको हेल्प करे, जो सबको मोटिवेट कर सके, जो किसी को अपॉर्चुनिटी दे सके या तो फिर किसी को होप दे सके उनके लिए, ड्रीम के लिए, और कभी गिव अप ना करे, और अपने जो ड्रीम्स है, आगे के ड्रीम्स है, उसके ऊपर कितना फोकस, वैसे जैसे फोकस करते थे हम लोग पहले, वैसे ही फोकस कर सके और प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि हम लोग जितने भी आगे बढ़ जाए वो चीज नहीं आना चाहिए, और जितना भी कुछ हो जाए अपने आप को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। What was it like when you saw yourself in that video for the first time, जो आप डांस कर रहे हैं सबके सामने, गाना गा रहे हैं? माई रिएक्शन वॉज ओ माई गॉड इट्स रियली हैपनिंग, लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग, लाइक इट वॉज लाइक 5 years, आई वॉज वेटिंग फॉर 5 years फॉर दिस टाइम, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस लाइक आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ मोर इन डिफरेंट काइंड ऑफ विजर्स, लाइक एमवीज, स्टेज परफॉर्मेंसेज, कॉन्सर्ट्स, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी फैंस एडिट्स, आई वॉन्ट टू लाइक एक्सप्लोर मैनी थिंग्स, सो मेरे में ये चीज ख्याल और आने लगे कि नहीं और अभी मेहनत करना है, मेरे को और देखना है, मेरे को ये चीज एक्साइटमेंट बहुत फील हुई थी। अब ब्लैक स्वान का एनी फ्यूचर प्लान्स, ओनली इफ यू कैन शेयर कुछ, अगर आप शेयर कर सकते हैं? यस, हम लोग का अभी नया सॉन्ग बहुत जल्दी आने वाला है, मैं जब बैक टू कोरिया जाऊंगी हम लोग का प्रिपरेशन चालू हो जाएंगे, और वेरी सून वी विल कम बैक विथ आवर न्यू सॉन्ग, एंड इट विल बी अ रियली गुड एंड ब्लास्ट सॉन्ग, एंड वी आर प्रिपेरिंग रियली हार्ड, एंड वी विल प्रैक्टिस रियली हार्ड टू शो गुड परफॉर्मेंस एंड गुड स्टेज परफॉर्मेंस, एंड सो दैट यू कैन इंजॉय, सो यस हम लोग ने यही प्लान किया है। Awesome. आपके फ्रेंड्स और फैमिली सब क्या कहते हैं? वी हैव अ के-पॉप स्टार, उन मॉन्स्टर स्टार, लोग के-पॉप स्टार बोल हमारे बीच में। जी उन लोग बोलते तो कब कब यहाँ से यहाँ पहुंच गए। मेरे पापा बोलते हैं कि मेरे को लगा था तो नेशनल में कुछ करेगी, बट मेरी बेटी आज इंटरनेशनल में कुछ करेगी, मुझे कभी नहीं पता था, क्योंकि इतने छोटे से शहर से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जर्नी बहुत मुश्किल था, कभी मतलब मैं हम लोग के
हम लोग का जो फैमिली है वो हम्बल बैकग्राउंड से है, तो जी ग्रोइंग अप वाज डिफिकल्ट, बट एवरीबडी, लाइक एवरीबडी इन माय फैमिली रियली सपोर्टेड मी अ लॉट, दे एनकरेज मी, दे मोटिवेटेड मी। सर, आप जाते जाते मुझे एक बार का फेवरेट के जी ड्रामा, आपका फेवरेट के ड्रामा ओह, मिस्टर क्वीन आपको जरूर देखना चाहिए, मिस्टर क्वीन देखा? होटल दे लूना, मिस्टर क्वीन इज रियली द बेस्ट। मैं उसको बहुत बार देख चुकी हूँ और वो सबसे बेस्ट था। अब नेवर नोन, आई विल मिल गेट टू मीट दीस पीपल आल्सो। या फेवरेट फेवरेट के एक्टर एंड एक्ट्रेस। ओ आ आ याद नहीं मेरे को यार, एक्चुअली मेरे को याद ही नहीं आ रहा किसी का नाम, बट देर आर लॉट मेनी और मेरे को बहुत पसंद है सारे एक्टर्स, तो मैं चूज ही नहीं कर सकती उनके बीच में। फेवरेट के पॉप ग्रुप एंड सॉन्ग ओवर द हाँ इयर्स। आई नो, अब तो अब आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, बट ओ व्हाइल ग्रोइंग अप जो गाना हमेशा सुनती रहती थी। ऑफ कोर्स बीटीएस ब्लैकपिंक, एंड आफ्टर दैट मैंने स्टेकिज को बहुत फॉलो किया है, तो स्टेकिज के जो लीडर भी है बांगचान संवेनी, वो भी मेरे को बहुत इंस्पायर किए हैं, उनके वर्क्स मेरे को बहुत इंस्पायर किए हैं। देन कम्स जेसी जेसी मैम, शी ऑल्सो इंस्पायर्ड मी अलॉट, एंड देर आर लॉट ऑफ मोर आर्टिस्ट हु इंस्पायर्ड मी अलॉट, सो आई ग्रू अप लिसनिंग टू देयर सॉन्ग्स। चलो, और यहाँ पर इंडिया में जी फेवरेट सिंगर, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अरमान मालिक, अरमान अच्छा, मालिक, और मेरे तो बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, और फेवरेट सॉन्ग बोलने से मुझे तू जो मिला बजरंगी भाईजान से, वो सबसे मेरा फेवरेट है, मैं बहुत सुनती आ रही हूँ उसको, क्योंकि उसके लिरिक्स मेरे को बहुत पसंद है। ये इजी का गाना है। नन्हे बाजा मिठी मंदिरा, यू गॉट मी लाइक क्रे क्रे क्रेज लाते चनी गा मुंदे मिठा नाइ ता की बुनी अप एंड डाउन, यू गॉट मी लाइक क्रे क्रे क्रेज लाते ना दोने गा आर पंचो। Awesome, Shreya. Many, many congratulations. You have proved where hard work, talent, and conviction can take you. Thank you for inspiring all of us. Yeah, I mean, Thank you so I'm getting much. inspired by you as well. And thank you, as they would say, fighting. Fighting! Don't Fighting. come so the Oh, come so Namaste.